हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं इनके बारे में बताऊंगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनकी मेथड भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक। देखिए, परीक्षा में यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह बहुत बार पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते हुए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आपको लिखना है और इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह बुक में बहुत ही हार्ड दिया गया है, लेकिन मैंने इसे ईजी बनाया है और आज मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ते हो तो सिर्फ आप 5 या 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे, क्योंकि इतना ईजिली मैंने इसको समझाया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है परीक्षा में, पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, इसे कार्ब मैग्नीशियम यौगिक भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द है कार्बधात्विक यौगिक, तो कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन परमाणु जिनमें एक या एक से अधिक धातु परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं वही क्या कहलाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक फ्रेंड्स कहलाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स इस पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। तो यहाँ पर क्या बताया कि मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। देखिए, ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक एल्केल ग्रुप और एक हेलोजन अन मैग्नीशियम के साथ में जुड़ा होता है और क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यह जो R है इसे कहते हैं एल्किल या एरिल, है ना। तो यह R और यह हेलोजन किसके साथ में जुड़ा होता है, मैग्नीशियम के साथ में, तो किसका निर्माण करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यही बस परिभाषा में बताया गया है फ्रेंड कि मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अब इसे एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है कार्बो मैग्नीशियम यौगिक भी इसे कहते हैं। अब देखिए और आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है फ्रेंड्स, यह जो R है फ्रेंड्स, यह क्या है, एल्किल है, तो R के स्थान पर आप CH2 लिख सकते हैं, मतलब एल्केल ग्रुप में से कुछ भी आप R के स्थान पर लिख सकते हैं। यदि आपको वह नहीं लिखना है, CH2 नहीं लिखना है या C2H2 नहीं लिखना है, तो आप सीधे R लिख दीजिए, फिर भी रिएक्शन होगी। अब और एरिल क्या होता है, तो एरिल है फ्रेंड्स C6H5, और यह जो X है फ्रेंड्स, X तो आपको पता ही होगा, X होता है हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आता है फ्रेंड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब मैं आपको देखिए यह रिएक्शन करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यह है हमारे पास एल्किल ग्रुप, यह है हेलोजन और यह है मैग्नीस। जब हम इनकी क्रिया करते हैं फ्रेंड्स शुष्क स्तर की उपस्थिति में, तो हमारे पास प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए एल्किल और हेलोजन की क्रिया जब हम मैग्नीशियम के साथ में करते हैं फ्रेंड, तो हमारे पास में बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखिए, ये एल्किल के स्थान पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप CH3 भी लिख सकते हैं, CH2 भी लिख सकते हैं और C2H2 भी लिख सकते हैं, तो हम एल्किल के स्थान पर यदि CH3 लिखते हैं और हेलोजन के एक्स के स्थान पर हेलोजन लिखते हैं आयोडीन, और इनकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ में करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास रिएक्शन बनती है फ्रेंड CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ एल्किल ग्रुप का। यदि हम C2H5 और Br की क्रिया मैग्नीशियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो हमारे पास फ्रेंड्स बन जाता है C2H5Mg। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह
अभिक्रिया होती है और यह हमारे पास होता प्राप्त होता है क्रिग्नाट अभिकर्मक। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया फ्रेंड कि क्रिग्नाट अभिकर्मक से हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यह मैं अभी आपको बताऊंगा इनकी बनाने की क्या क्या विधियाँ यह बता। तो देखिए, पहली विधि है प्राइमरी एल्कोहल से, पहला है प्राथमिक एल्कोहल से। तो देखिए, प्राइमरी एल्कोहल किस प्रकार से बनता है क्रिग्नाट अभिकर्मक से, यह देखते हैं हम। तो देखिए, जब क्रिग्नाट अभिकर्मक पर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। यहाँ पर बताया गया है कि क्रिग्नाट अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले ही मैटर को लिख दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर सीधे मैं आपको रिएक्शन करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने यह फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये देखिए, यह है फॉर्मेल्डिहाइड और इसके क्रिया हम करते हैं क्रिग्नाट अभिकर्मक के साथ में। तो हमारे पास फ्रेंड्स यह किस प्रकार से बनता है, यह मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो है, ये देखिए, यहाँ पर यह, ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और CH3 पर नेगेटिव चार्ज है। ये मैं आपको इतने डीप में नहीं ले जाऊँगा क्योंकि हाँ, टाइम बहुत कम है। तो देखिए, यह CH3 सीधे इस पॉजिटिव के साथ में ऐड हो जाएगा। तो यह किस प्रकार से ऐड होगा, देखिए, इस प्रकार से यह यहाँ पर रिएक्शन होगी। यहाँ पर यह CH3 फ्रेंड्स इसके साथ में ऐड हो जाएगा और यह सिंगल बॉन्ड, सॉरी, यह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ पर यह MgBr आ जाएगा। अब जब हम इसमें जल मिलाते हैं फ्रेंड्स, इसमें यदि हम जल मिलाएं, देखिए, यह हम वैसा का वैसा यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, यह CH3 यह इस कार्बन के साथ में यहाँ पर ऐड हो गया और यह ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ था, यह सिंगल बॉन्ड के साथ में आ गया। और फिर अब हम क्या, और यहाँ पर MgBr यह इससे जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में जल, इसमें जो यदि हम जल मिलाते, यह देखिए, यह हम यदि इसमें जल मिलाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह जल टूट जाएगा H और OH में। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, एक H जो होता है फ्रेंड्स, वह इस ऑक्सीजन के साथ में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी। देखिए, यहाँ पर यह इस साइड में CH3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस O के साथ में H, ये वाला H जुड़ जाता है। फिर हमारे पास में यह जो Mg है, Mg के साथ में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर Br आ जाता है और यहाँ पर OH आ जाता है और हमारे पास यह बनता है फ्रेंड्स प्राथमिक एल्कोहल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करते हैं क्रिग्नाट अभिकर्मक के साथ में तो किस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स कि जब हम द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल किस प्रकार से बनता है, यह भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, क्रिग्नाट अभिकर्मक क्रिया जब एसीटीएल्डिहाइड के साथ की जाती है तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है। अब देखिए, यह हमने एसीटीएल्डिहाइड ले लिया और इस पर हम क्रिग्नाट अभिकर्मक क्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो देखिए, हम करते हैं क्रिया इस पर, तो यह हमारे पास यह CH3, यह कार्बन, यह हाइड्रोजन, उसके बाद में यहाँ पर यह CH3 इस कार्बन के साथ में आ जाएगा और यह डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड के साथ में यह ऑक्सीजन आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह MgBr यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब देखिए, जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर हम अब इसमें क्या मिलाएंगे, यहाँ पर हम पानी इसमें मिला देंगे। तो इसमें हम किस प्रकार, ये तो आपको पता है एच और ओ एच में यह टूट जाएगा जल, तो यहाँ पर क्या होगा, यह सी एच थ्री सी एच, यह क्या है सी एच, यह सी एच थ्री है सॉरी, क्योंकि यह सी एच थ्री इस कार्बन के साथ में यहाँ पर ऐड हो जाता है। फिर यह जो ओ है इसके साथ में यह एक एच जुड़ जाएगा, तो ओ एच, यह एम जी है ना, एम जी, और यह इस प्रकार से आ जाएगा फ्रेंड्स, और ओ एच, तो हमारे पास यह बनता है फ्रेंड्स द्वितीयक एल्कोहल। देखिए आप देख सकते हैं जब हम एसीटिलएल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, सॉरी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसीटिलएल्डिहाइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, द्वितीयक एल्कोहल। अब हम तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार से बनता है वह भी देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार से बनता है, जब एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कराने पर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम एसीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसीटोन के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, तृतीयक एल्कोहल। तो देखिए यह ले लिया है एसीटोन, इसे कहते हैं एसीटोन, वह और यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अब देखिए यहाँ पर हम यह करेंगे तो यह सी एच थ्री इस कार्बन के साथ में चला जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यह सी एच थ्री, यह डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यह इस प्रकार से प्लस, सॉरी यहाँ पर यह इस प्रकार से एम जी बी आर। अब देखिए इसके साथ यदि इसमें हम जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें जल मिलाएंगे तो ये देखिए, यह देखिए सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ऑक्सीजन एम जी, सॉरी अब हमें इसके साथ में जल मिलाना है, इसमें जल मिलाना है एच टू ओ, तो यह टूटेगा एच और ओ एच में, तो देखिए यह जब टूटता है तो यह क्या होगा, इसके साथ में हाइड्रोजन, यह एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर एल्कोहल बना, यह इस प्रकार से सी एच थ्री, यह सी एच थ्री सी थ्री, और यह हो जाएगा ओ एच, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह प्लस एम जी, और इस प्रकार से फ्रेंड्स बी आर, और यह ओ एच, और यह बन जाएगा हमारे पास तृतीयक एल्कोहल। तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह आज का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियां है वह हमने देखी। तो देखिए फ्रेंड्स यह टॉपिक मैंने बहुत ही आपको आसान तरीके से समझाया है, आप बुक में यदि यह टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो बहुत हार्ड दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से इसे स्ट्रक्चर में लिख सकते हो एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको अच्छे अंक एग्ज़ाम में मिलेंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प मिल सके।
फ्रेंड्स, यदि आपके मन में इस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो, या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक का कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प फ्रेंड्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।